हर पार्टी का अपना अपना काम करने का तरीका है, हर पार्टी का अपना अपना नीति है, हर पार्टी का अपना अपना संविधान है। क्यों हर आदमी स्वतंत्र है राजनीति करने के लिए? अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो उसको कौन रोक सकता है? बिहार की जनता समय पर फैसला लेती है, बिहार की जनता मालिक है, बिहार की जनता किसको पसंद करती है, किसको पसंद करेगी वो तो जनता करेगी। नारा दिया, आइए मिलिए, सवाली साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ खड़े रहिए, हम आपके लिए खड़ा रहेंगे। बात समझ रहे हैं? पहले इसके पहले लगता है कि किसी के लिए खड़े नहीं रहते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। अब उनको लग रहा है कि लोगों की बात सुनना चाहिए और लोगों के समस्या का हल करना चाहिए, तो अच्छी बात है। देर से ही सही, लेकिन देर से ही सही, सही बात की जानकारी उनको लगी, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देना। क्या लग रहा है सर कि राजन ए टू जेड की सहमी पार्टी के लिए किस तरफ बढ़ रही है, किस तरफ चल रहा है? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना काम करने का तरीका है, हर पार्टी का अपना अपना नीति है, हर पार्टी का अपना अपना सिद्धांत है। हमारी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हमारे जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनको बिहार की जनता पर भरोसा है, बिहार के लोगों पर भरोसा है, और जो वो नीतीश कुमार जी कहते हैं वही करते हैं। जो वादा किया उन्होंने चुनाव में उसको एक एक करके लागू किया, और उनका जो काम है वो काम वोट के लिए नहीं करते हैं, बिहार की जनता के समस्या के लिए हर हल के लिए वो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और एक एक क्षण बिहार की जनता के खिदमत के लिए उनका है, सेवा के लिए। प्रशांत किशोर कुछ कर रहे हैं राजनीति? देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है राजनीति करने के लिए। अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो उसको कौन रोक सकता है? बिहार की जनता समय पर फैसला लेती है, बिहार की जनता मालिक है, बिहार की जनता किसको पसंद करती है, किसको पसंद करेगी वो तो जनता करेगी। लेकिन इतनी बात जरूर है कि नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है, बिहार का कोई घर बचा हुआ नहीं है, कोई जाति नहीं बची हुई है, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं बचा हुआ है जो ये कहे कि नीतीश कुमार जी के शासन में हमको छोड़ दिया गया, बाकी लोगों को देखा गया। सबको देखा इन्होंने, सबके लिए किया इन्होंने, और हर घर तक सरकारी सुविधा का लाभ पहुंचाया। ये देश का पहला राज बिहार है जहां इस प्रकार से लोगों का खिदमत नीतीश कुमार ने किया है, सेवा भी किया है, और जब तक उनके शरीर में एक भी बूंद खून रहेगा बिहार की जनता की सेवा के लिए है, बिहार की जनता की खिदमत के लिए। बहुत चिंतित भी रहते हैं, मनरेगा में भी काफ़ी काम हुआ, लेकिन कई ऐसी शिकायतें आती हैं वीडियो लेवल पर जिनके खिलाफ आप लगातार कार्रवाई करते हैं, तो हाल के दिनों में भी कई अधिकारी के खिलाफ शिकायतें आई हैं, विभाग उन शिकायतों को किस तरीके से लेता है और किस तरीके से कार्रवाई करता है? देखिए, जहाँ काम होता है वहाँ पर शिकायतें प्राप्त होगी, और जब शिकायत प्राप्त होती है तो उसको हम लोग काफ़ी गंभीरता से लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जो खबरें आती है उसको भी हम गंभीरता से लेते हैं, और एक एक चीज़ पर बारीकी से हम तहकीकात करते हैं, जांच करते हैं, और जांच में सचमुच अगर कोई गड़बड़ी निकल जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते हैं, और पहले भी किया है, और आगे भी इस तरह की जो खबरें मिलेगी, इस तरह की शिकायतें प्राप्त होगी उसकी जांच कराएंगे, और संबंधित जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे।